हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो विल सी हाउ टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज इंडिविजुअल सीरीज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है सो लेट्स सी डिस्क्रीट सीरीज में एक क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन है मार्क्स है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है टू एट ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है ठीक है ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है सो लेट्स कैलकुलेट मीडियम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन दल्यूशन इज हमने सबसे पहले मार्क्स लिखा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स एटी फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी हमने लिखा ठीक है और जब भीट सीज में क्वेश्चन हो और हमें मीडियम निकालना हो तो हमें सबसे पहले कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे लेट्स यहाँ पे टू है फ्रीक्वेंसी हमें गिवन टू है तो हम सबसे पहले यहाँ पे टू लिख देंगे ठीक है नाउ विल एड दिस टू प्लस एट Plus कितना हो 10 हो 10 plus कितना होगा 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 फोर नाइन्टी नाइन इस तरह हम कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे अब हम फ्रीक्वेंसी को ऐडअप करेंगे और हम हमें सम ऑफ़ फ्रीक्वेंसी क्या मिला ऑफ फ्रीक्वेंसी 99 मिला इसको ऐड करने के बाद हमें जो नंबर मिला वैल्यू मिला वो उतना ही इज इक्वल टू ये लास्ट वाले वैल्यू होना चाहिए ये दोनों सेम है इसका मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी राइट है अब हम आगे देखते हैं सो बाई अपलाइंग द फार्मूला मीडियम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन सो दिस इज़ द फॉर्मूला और इसमें हमें सारे वैल्यूज़ को पुट करना है सो so हमें एन क्या मिला एन इज इक्वल टू नाइन्टी नाइन ये कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हो सो so एन हमें मिला नाइन्टी नाइन सो विल राइट इन प्लेस ऑफ एन विल राइट नाइन्टी नाइन सो ये क्या हो गया साइज ऑफ नाइन्टी नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन ये हो गया आपका हंड्रेड डिड बाई टूथर्वेशन विल गेट साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन अब यहाँ पे हमें कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है ऑब्जर्वेशन uh, किसके बीच में आएगा सी ट्वेंटी सिक्स और फिफ्टी टू के बीच में फिफ्टी आएगा ठीक है सो हमें फिफ्टी के जो नीचे है uh, जो नीचे वाला नंबर है उसका हमें मार्क्स uh, देखना है उसका मार्क्स है फोर्टी सो द मीडियम मार्क्स विल बी फोर्टी सो फोर्टी इज द आंसर नाउ कंटिन्यूस सीरीज जब भी क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज में हो और हमें मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले हम uh, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाई टू माइनस पी डॉट सी डॉट एफ दिस डिनोट द प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ओके डिवाइडेड बाय एफ दैट इज फ्रीक्वेंसी इन आई विच इज क्लास इंटरवल सो यहाँ पे Uh, low, ये एल वन डिनोट करता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप लोअर लिमिट को डिनोट करता है एन बाई टू हमें uh, निकालना होता है एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये पी सी एफ है वो प्रीवियस कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास ओके ये है आई क्लास इंटरवल हो गया या तो क्लास साइज भी बोल सकते हो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ये एफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है सो दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू अप्लाई दिस सो ना लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाएगा द क्वेश्चन इज द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स ऑफ 380 फैमिलीज इन द विलेज इज गिवन बिलो 380 फैमिलीज इसको जब हम टोटल तो, करेंगे तो ये 380 आएगा 380 फैमिलीज का लैंड होल्डिंग्स गिवन है ठीक है फाइंड दी मीडियम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स हमें मीडियम साइज निकालना है सो द क्वेश्चन इज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन एकर्स जो फ्रीक्वेंसी है ओके okay? यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में दिया है लेस देन हंड्रेड मीन्स हंड्रेड से छोटे वैल्यूज ओके और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है हंड्रेड टू टू हंड्रेड में हंड्रेड का डिफरेंस है यहाँ पे भी टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड हंड्रेड का डिफरेंस है सो तो यहाँ पे जीरो टू हंड्रेड होगा तो हंड्रेड का डिफरेंस है ठीक हंड्रेड uh, uh, का डिफरेंस हो जाएगा सो जीरो टू हंड्रेड हम लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में फोर हंड्रेड एंड अबव है सो फोर हंड्रेड एंड अबव के जो वैल्यूज है और हंड्रेड का डिफरेंस है इसलिए हम फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड लिखेंगे तो ये हमने इंटरवल्स लिखा सबसे पहले अब नंबर ऑफ फैमिलीज जो है जो हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है वो हम लिखेंगे अब हमें जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उससे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है सेम प्रोसेस है जैसे मैंने अभी वहां बताया यहाँ पे फोर्टी है सो हम लोग सबसे पहले हम लोग सबसे पहले फोर्टी लिखेंगे यहाँ पे एंड देन फोर्टी प्लस एटी नाइन वन ट्वेंटी नाइन होगा वन ट्वेंटी नाइन प्लस वन फोर्टी एट टू सेवेंटी सेवन टू सेवेंटी सेवन प्लस सिक्सटी फोर थ्री हंड्रेड फोर्टी वन हो जाएगा थ्री हंड्रेड फोर्टी वन प्लस थर्टी नाइन क्या होगा थ्री हंड्रेड एटी सो हमने इस तरह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लिया ठीक है अब हम नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हमें फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे सो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या जाएगा थ्री हंड्रेड एंड एटी इसको आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा उसका सम सो सम ऑफ़ फ्रीक्वेंसी थ्री हंड्रेड एंड एटी आया थ्री हंड्रेड एंड एटी यहाँ पे है और यहाँ जो लास्ट वैल्यू हमें मिला है कम्युनिटिव फ्रिकवेंसी का भी वो भी थ्री हंड्रेड एटी है तो ये करेक्ट है ठीक है अब हमें ध्यान देना है यहाँ फॉर्मूला जब हम यहाँ पे सॉल्व करते थे तो ये हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन बट हमें यहाँ पे ये फार्मूला कंटिन्यूस सीरीज़ में ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है हमें सबसे पहले क्या करना है मीडियम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाई टू एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन ये फार्मूला यूज करना है एन बाई टू करना है ठीक है एन क्या है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड एटी है एन तो साइज ऑफ थ्री हंड्रेड एंड एटी डिवाइड बाई टू हो जाएगा टूथ ऑब्जर्वेशन सो ये वन हंड्रेड एंड नाइन्टी ऑब्जर्वेशन है अब हमें यहाँ पे देखना है कहाँ पे लाई करेगा वन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन ट्वेंटी नाइन और टू सेवेंटी सेवन के बीच में लाई करेगा ठीक है तो हमें इसके नीचे वाला नंबर को देखना है दैट इज टू सेवेंटी सेवन और उसके uh, उसके ही लाइन पे इंटरवल्स को देखना है इंटरवल्स है टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड तो यहां पे हमारा हो जाएगा लाइज लाइज सॉरी इन द ग्रुप एंड नाउ बाय वी गेट अब हमें में फॉर्मूला अप्लाई uh, करना है फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एन एल वन प्लस एन बाय टू माइनस प्रीवियस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इन टू आई क्लास इंटरवल अब हमें क्या देखना है यहां पे? यहाँ पे मीडियम लाइज इन द ग्रुप टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड है मतलब ये ये हमें देखना है यहाँ पे देखो आप ये क्या है लोअर लिमिट को डिनोट करता है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा टू हंड्रेड हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा टू हंड्रेड हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वो था ना वन वन हंड्रेड एंड नाइन्टी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे था इस बीच वन ट्वेंटी नाइन और टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन के बीच में था तो हम उसके नीचे वाला वैल्यू को देखें और उसी के लाइन पे हम क्लास इंटरवल को देखें दैट इज टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड तो लोअर लिमिट हमें मिल गया टू हंड्रेड हो गया ठीक है एन बाई टू इज इक्वल टू वन नाइन्टी आया वन नाइन्टी यहाँ पे अभी आया वन नाइनटीथ ऑब्जर्वेशन ये हमने सॉल्व किया था यहाँ पे एन बाई टू ऑब्जर्वेशन साइज ऑफ एन बाई टू ऑब्जर्वेशन हमने सॉल्व किया तो ये क्या आया वन हंड्रेड एंड नाइन्टी ऑब्जर्वेशन आया तो ये हो जाएगा एन बाई टू क्या हो जाएगा वन हंड्रेड एंड नाइन्टी प्रीवियस कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी कहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे आप देखो प्रीवियस कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 277 और 129 के बीच में वो इंटरवल लाई करता था तो हम इसके ऊपर वाला देखेंगे प्रीवियस पहला वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज 129 तो ये हो जाएगा प्रीवियस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 129 फ्रीक्वेंसी क्या होगा 148 कैसे यहाँ पे आप देखो ये जो वन ट्वेंटी नाइन और टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन के जो बीच में लाई करता था वन नाइनटी उसके नीचे वाला जो वैल्यू है उसका हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे विच इज वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट ठीक है सो so फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वन फोर्टी एट एंड दिस आई विच डिनोट्स द क्लास साइज और क्लास इंटरवल वो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना का था हंड्रेड का डिफरेंस था जीरो टू हंड्रेड में हंड्रेड का डिफरेंस था हंड्रेड टू टू हंड्रेड में भी हंड्रेड का डिफरेंस था इसीलिए हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू हंड्रेड लेंगे दैट इज क्लास साइज क्लास इंटरवल हम क्या लेंगे हंड्रेड लेंगे अब सिंपली हम सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे सो बाय पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला विल गेट दिस इन प्लेस ऑफ l1 विल राइट वैल्यू ऑफ एलवन विच इज टू हंड्रेड तो हम लोग हम लोगों ने टू हंड्रेड यहाँ पे लिखा एन बाई टू क्या है सो विल राइट वन नाइनटी माइनस प्रीवियस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या आया था प्रीवियस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हमने देखा था वन ट्वेंटी नाइन था सो so, हमने यहाँ पे वन ट्वेंटी नाइन लिखा डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी है so यहाँ पे वन फोर्टी एट लिखा इन टू क्लास साइज ऑफ द्लास इंटरवल कितना है हंड्रेड है ठीक है नाउ विल सॉल्व now by solving further we'll get 241.216 is the answer so median size of the land holding is 241.22 acres so this is the answer continuous series more or question hota hai, which is less than cumulative frequency and more than cumulative frequency so how to find median of that uh, less than and more than cumulative frequency we'll see uh, in next video so hope this video would be helpful to you and thank you